अगर हल्द्वानी का मनभुलपुरा का इलाका अवैध कब्जा है तो कुछ सवाल है। हाईकोर्ट ने भले ही राहत दे दी हो मगर कुछ सवाल है जो आज भी जस के तस है। यहां के बाशिंदों के पास 1937 तक के जमीनों के दस्तावेज कहां से आए? सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल यहां कैसे बन गए? अवैध कब्जे पर, अवैध निर्माण पर विधायक से लेकर सांसद तक ने फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया, कैसे और क्यों? नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा है? यहां सड़कें कैसे और किसके आदेश पर बन गई? सरकारी योजनाएं कैसे लागू? दरअसल सुनवाई से पहले इस केस को लेकर कई सवाल उठ रहे, सवाल उठना वाजिब भी है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? रेलवे की जमीन है, सरकार ने खुद यहां 3-3 सरकारी स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, तो कैसे और क्यों? मसले कई हैं। अब कोर्ट ने राहत तो दे दी मगर क्या अतिक्रमण को जायज ठहराने का यह तरीका सवाल खड़े नहीं करता? मानवीय पहलू है मगर अतिक्रमण को कौन जायज ठहरा रहा है और क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आशियाना बचाने की जंग के बीच फैसले से पहले दुआओं के लिए उठते इन सैकड़ों हाथों की दुआएं लगता है कबूल हो गई। तभी तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश में करीब 5,000 आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने माना है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने मानवीय नजरिए से देखा और जल्द ही इस मामले में समाधान करने की जरूरत का जिक्र भी किया। वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक का आदेश का जारी किया। दिल्ली से लेकर दून और दून से लेकर हल्द्वानी तक धामी सरकार की सोच पर सवाल उठने के लिए सियासत भी तैयार दिखी। विपक्ष ने सरकार की नियत पर सवाल खड़े करने में देर नहीं लगाई। आज उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा मामले में लगभग 1 महीने का स्टे दे दिया है। ऐसे में बहुत राहत बड़ी खबर है ये वहाँ के वासियों के लिए भी और समस्त उत्तराखंड के लिए भी। पुनः एक बार अपने न्याय प्रणाली के प्रति नतमस्तक हूँ, न्यायाधीशों का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जहाँ एक ओर न्यायाधीशों ने मानवीय दृष्टिकोण की बात अपने वर्डिक्ट में कही, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के मुखारवृंद से एक बार भी मानवीय दृष्टिकोण का शब्द नहीं फूटा, एक बार भी संवेदनशीलता नहीं जताई गई, एक बार भी ये नहीं बताया गया कि आपका मदद का हाथ क्या बढ़ेगा इन लोगों की तरफ अगर पक्ष में निर्णय नहीं होगा तो। बार बार मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये मामला रेलवे विभाग और कोर्ट के बीच में है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला देंगे राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी या उसका पालन करेगी। सुनवाई से पहले इस केस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3-3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिया? इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल भी गिरेंगे
तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने का प्रशासन सोचता है और हजारों लोग बेघर होकर कहां जाएंगे ये क्यों नहीं सोचा जाता। जब सरकार तक को पता नहीं होता कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो सिर्फ जनता ही क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। तो 4000 परिवारों को गुड न्यूज मिल गया, लेकिन क्या यह विवाद यहीं खत्म हो गया? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त विनोद सिवाल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। उमा सिसोदिया जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन पहले विनोद जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, और इस पूरे मसले को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच जो सुप्रीम कोर्ट से आज इन 4000 परिवारों को राहत मिली है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और सरकार का स्टैंड। देखिए, ऐसा है कि आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध टीवी चैनल है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी विनोद जी। और आपके इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से मैं, जो दर्शक आप सुन रहे हैं, जो आज फैसला आया है, इसमें मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार कहीं पर भी नहीं थी। उत्तराखंड फैसला पहले हाईकोर्ट ने दिया, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब सरकार से कुछ चीजें जानकारी जुटाई है। मामला 2016 का है। ये कांग्रेस के नेता जो केवल बयानवीर बने हुए हैं, जब वहां पर ये रेलवे का पुल कमजोर हो गया था, उसके बाद रेलवे ने इस मामले में कहा था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। इनके जमाने वहां पर, वहां जब खनन हो रहा था, उस जमाने ये मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद इस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई और कोर्ट एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये बात आगे बढ़ी है। और 2016 में किसकी सरकार थी ये सब जानते हैं विनोद जी। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह की बातें कर रहा, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के बयानवीर नेता है। विनोद जी, मैं उस मसले में अभी जा ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार का स्टैंड क्या है, अब आगे क्या सोचा? नहीं, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट न्याय का पवित्र स्थान है, जो सुप्रीम कोर्ट का जीता है, हमारी सरकार वही निर्णय कहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट, नहीं, देखिए विनोद जी, ये तो कानून है ना सर जी, कोर्ट से बढ़कर तो कोई है नहीं, ना आप है ना हम है और ना ही सरकारें हैं। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, जो कोर्ट का आदेश होगा उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। तो आपने कुछ सोचा है इनके विस्थापन को लेकर, या फिर 7 दिन में अगर इनको उजाड़ दिया जाता तो ये 4000 परिवार कहां जाते? मेरा सवाल ये था। नहीं देखिए, जो निर्णय लिया है वो निर्णय भी हाईकोर्ट ने ही लिया है, कोई उत्तराखंड सरकार ने नहीं लिया है। विनोद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट का अगर आदेश, इफ बट किंतु परंतु, क्योंकि अब अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, आपकी सरकार का स्टैंड क्या है इन परिवारों के बारे में? कुछ सोचा है कोर्ट ने? अगर वही आदेश दिया जो हाई कोर्ट ने दिया, तो फिर क्या होगा? देखो, किंतु और परंतु कुछ नहीं है। जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का दिशा निर्देश होगा, सरकार उसका पालन करेगी। सर वो तो मैं मान गया आपकी बात, मेरे सवाल को गंभीरता से समझिए। मैं ये कह रहा हूं विनोद जी कि किंतु परंतु की स्थिति इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट के जजमेंट को हूबहू लागू कर दिया, तो फिर इसके बाद सरकार का स्टैंड महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार क्या इन परिवारों को बेसहारा छोड़ देगी, या इनके बारे में कुछ सोच रहे हैं आप? ये काल्पनिक विषय है, जब तक इस पे निर्णय नहीं आ जाता तब तक इसे कहना क्या उचित है? ठीक सर, ओके ओके सर, ओके मैं समझ गया। जब बाढ़ आएगी उसके बाद टेंडर निकाला जाएगा, तब उसके बाद जमीन की तलाश की जाएगी। आप सच्ची बात कर रहे हैं, आप न्याय व्यवस्था में जो निर्णय लिया जाएगा उसी पर सर मैं आपकी बात समझ गया। जब जो बात आप कह रहे हैं मैं समझ गया, ओके। उमा सिसोदिया जी, आपको समझ में आया जो बात विनोद जी कह रहे हैं? समझ में आई आपको? सरकार वही करेगी जो कोर्ट कहेगा, ये तो सब सरकारें करती है जो कोर्ट कहेगा। मसला मानवीय पहलू से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक मानवीय पहलू से ही लगाई है, तो मैं मानवीय पहलू पर ही आ रहा हूं, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल इस वक्त हिंदू मुसलमान इस चर्चा पर खेल रहे हैं, अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमणकारी होता है, अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमणकारी होगा, वो मुसलमान या हिंदू नहीं होगा।
लेकिन हमारे राजनीतिक दलों ने किया क्या कि इंसानियत की बात और इंसान की बात करने की बजाय मुसलमान पर आ गए, कहा कि ये तो मुसलमान है इसलिए हो रहा है ऐसा। सबसे पहले तो एक मैं मानसिकता का विरोध करती हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कि अगर वो मानवीय पहलू को हटाकर किसी भी मसले को सिर्फ हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। और रही बात यहाँ पर अतिक्रमण की, तो देखिए यहाँ पर तो सरकार ने भी अतिक्रमण किया। आपने वहाँ पर सरकारी स्कूल बना दिए, आपने वहाँ पर सरकारी अस्पताल बना दिए, आपको क्या ये मालूम नहीं था कि ये रेलवे की जमीन है? आपने वहाँ पर सड़कें बना दी, बिजली का टैक्स, पानी का बिल सब कुछ आप लोगों ने लिया, और आज आप इतने लचर पैरवी हमारे इस कॉलोनी की आप लोगों ने हाईकोर्ट में की कि सरकार जो है वो जो हमारे जो जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने इस तरह का फैसला दे दिया। मैं तो कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उनका, कि कम से कम उन्होंने कि एक मानवीय पहलू पर इस बारे में बात की कि इस भरी ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे, और वाकई में सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को अचानक अपने जमीन की याद कहाँ से आई है इतने सालों बाद, और क्या वो कुछ उस तक करना चाहते हैं? उमा जी, क्या वो वहाँ पर कोई नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं? क्या वो वहाँ पर कुछ और कर रहे हैं जो उनको अचानक अपनी रेलवे की? उमा जी एक मिनट उमा जी एक मिनट, दिल्ली में जानते कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, वहां पर भी बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन हैं, ठीक। यह अतिक्रमण की समस्या ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित है, और आप ये कह रहे हैं कि रेलवे को एकाएक याद कहां से आ गई? तो मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, अगर इतनी हिम्मत है आप लोगों में तो जाके प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास में जाकर एक तंबू तो गाड़ के दिखाइए, गाड़ सकते तंबू कोई? कानून तो सबके लिए बराबर है ना, वो चाहे रेलवे की जमीन हो या फिर रेलवे की नहीं, सरकारी जमीन सरकारी है। देखिए मैं आपकी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इसमें फेलियर किसका, क्या इसमें फेलियर उन गरीब लोगों का जिन्होंने आके छोटे छोटे करके अपने घर बनाए हैं वहां पर, या इसमें फेलियर हमारी पूरे सिस्टम का? क्या आज तक हमारी 1.5 अरब की आबादी हो चुकी है और आज तक हम एक सही पॉलिसी नहीं बना पाए कि हम गरीबों को मकान कैसे मुहैया कराएंगे? आप यहाँ देहरादून के MBDA को देख लीजिए, MBDA जब बना था ये कहा गया था कि MBDA के माध्यम से सस्ते आवास बनाए जाएंगे, लेकिन अभी इसी समस्या पे रहिए। अभी तो फिर रिश्ता भी आ जाएगा, बिंदास भी आ जाएगा। गरीब आदमी करेगा क्या? घर छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। मैं मानती हूँ कि उन्होंने अतिक्रमण किया, गलत किया, सजा मिलनी चाहिए सब कुछ, लेकिन वो सजा के पीछे दोषी कौन? अगर एक भूखा व्यक्ति ब्रेड उठाकर भागता है तो उसमें दोषी कौन? क्या दोषी हमारा पूरा सिस्टम नहीं? हमारी 70 साल की आजादी के बाद हम लोग कोई पॉलिसी नहीं बना पाए, ना केंद्र स्तर पर ना राज्य के स्तर पर, इसका दोषी कौन? बढ़ती हुई इतनी भयानक जनसंख्या, इसका दोषी कौन? तो उन्होंने कहा एक बोतल की जगह एक बोतल और ले लो। अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छी पॉलिसी बनाई, किस तरह की पॉलिसी जारी हो मानी चाहिए। भैया आप लोगों ने भी तो पूरे देवभूमि में 4-4 दिन शराब के ठेके खोले रखे, और खचरों पर आपने होम डिलीवरी शुरू कराई, त्रिवेंद्र रावत सरकार को भूल गई क्या? जैसे बिल्कुल एक उपदेश कह रही होगी, जैसे कि आपने दिल्ली के अंदर ऐसे निर्णय ले लिए होंगे जैसे बिल्कुल। विनोद जी अभी मसला एक मिनट उमा जी, मसला यही है ना कि अब इन परिवारों का आगे क्या, ये तो अंधकार में ही लटके है ना। मानवीय दृष्टिकोण से ही अगर हम चीजों को देखें तो क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप सरकारी जमीन पर जाकर कब्जा कर लीजिए? और आपने बिल्कुल सही कहा, इनको बसाया किसने जानते? किसने बसाया? जो विधायक सांसद मंत्री बनने के बाद ये सोचते हैं कि ये सरकारी जमीन जो है वो हमारे पिताजी की है, समझे आप, वो लोग आकर बसाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे लिए वोट भी मांगो गली गली जाके जो है, क्योंकि हमने तुम्हें घर दिया, जिसको घर दिया है वो तो एहसान मानेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल हाँ। तो ये वोट का बंदोबस्त और इंतजाम होता है कि सरकारी जमीन को अपने पिताजी की जमीन मानकर सबको बसा दो, अतिक्रमण इसे ही कहते हैं मैडम, कि गलत बोला मैंने? बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ तिलक भाई। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आज तक हमारी सरकारें, चाहे उसमें केंद्र सरकार रही हो चाहे उसमें हमारी राज्य सरकार रही हो, गरीबों को आवास कैसे मुहैया कराया जाएगा इस पर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम सस्ते आवास नहीं बना पाए, हमारे पास स्लम्स को हटाने की कोई पॉलिसी नहीं है। ये जो अतिक्रमण हो गया है, हम किस तरीके से सस्ते आवास दे पाए? विनोद सयाल साहब एक मिनट। अब मानवीय दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है, मानवीय, तो मानवीय नजरिए से सरकार कुछ सोच रही है कि अभी वही कि आप कह रहे हैं कि जैसे सब फैसला आएगा कोर्ट का तब की तब देखी जाएगी? देखो जो भारत का संविधान है
उसमें हर निर्णय के लिए बड़ा व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट उसका मंदिर है और उस पर विचार चल रहा है, प्रक्रिया प्रोसेस में है, उस पर निर्णय नहीं दिया गया है, प्रक्रिया प्रोसेस में है, प्रोसेस के बाद क्या डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है, सरकार से उत्तराखंड सरकार से जो अपेक्षाएं की गई है, उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की उन अपेक्षाओं इनको इनको विस्थापित कर सकती है सरकार कहीं और। देखो ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा है उस पर क्या हुआ है ये तो डिसीजन की कॉपी पढ़ने के बाद ही पता लग पाएगा। मुझे लगता है कि जल्दी इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं नहीं, नजूल भूमि ये जिक्र किया जा रहा था कि इसको नजूल भी किया जा सकता है, तो वो अलग मसला है रेलवे वगैरह, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, समाधान निकलने में कोई, आप लोग तो चाहे तो कानून बदल सकते हैं सर, है ना, और आप लोगों ने बड़े बड़े कानून बदले भी लेकर भी आए, तो डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा मिलेगा इन परिवारों को? हमने भारत की संसद अगर किसी चीज में उसे लगता है कि जो कुछ पुराने कानून निष्प्रयोग हो गए हैं उनको वो बदल सकती है, हम नहीं बदल सकते। नहीं, भारतीय जनता सर अगर बतौर मुख्यमंत्री धामी जी जाकर ये पैरवी करें केंद्र में जाके, देखिए डबल इंजन की सरकार का मतलब तो यही होता ना सर, दो दो जो इंजन जो है वो उसका मतलब तो यही होगा ना, अगर धामी जी जाकर पैरवी करें तो क्या समाधान निकल सकता है? देखिए हमने इस न्यायिक प्रक्रिया पर हमारी पूरी आस्था है और सर वो तो सबको है, हमें भी आपको भी है, मैंने ये कहा डबल इंजन की सरकार अगर इस पर विचार करे तो रास्ता निकल सकता है। हमने राम जन्मभूमि से लेकर इतना बड़ा जो आस्था का प्रश्न था उसे लेकर हमने कोर्ट पर ही आस्था जताई है, कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है इस मामले में। सर मसला राम जन्मभूमि, तीन तलाक, 370 का नहीं है, मसला यहाँ इन परिवारों का है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखो जो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उस पर कोई निर्णय, सर पुनर्वास को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है और सरकारों को भी मानना है। पुनर्वास पर अगर सरकार ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसी रूलिंग देता है और सरकार से कोई पक्ष इस बारे में कहता है तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया का हिस्सा होगा उसे पूरा किया जाए। ठीक, ओके ओके। उमा जी, जी विनोद जी की बात बिल्कुल हुबहू वैसी है कि जैसे हल्द्वानी का मुद्दा देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है, समझ रहे हैं आप, हल्द्वानी का मसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। राष्ट्रीय तो छोड़िए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी हल्द्वानी का मुंह नहीं देखा होगा, वो हल्द्वानी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लिख रहे हैं मुसलमान, समझ रहे हैं आप, लिखा जा रहा है शब्द ये मुसलमान, इंसान नहीं लिखा जा रहा, मुसलमान लिखा जा रहा है, वहां हिंदू भी है मुस्लिम भी है सब है, लेकिन लिखा जा रहा है मुसलमान। तो मुझे एक बात बताइए, इतना हो हल्ला हो रहा है, इतना हो हल्ला हो रहा है, लेकिन वहीं एक पौराणिक शहर है जोशीमठ, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, बिल्कुल उसको लेकर कोई नहीं। अब ये तो वही बात होगी विनोद जी की, जब फायर ब्रिगेड तभी मंगवाएंगे जब मालूम है कि आग लगेगी, लेकिन फायर ब्रिगेड तभी आएगी तब फोन घुमाएंगे जब आग लग जाएगी, वो स्थिति हो रही है उमा जी कि नहीं? देखिए जिस तरह की राजनीति हल्द्वानी के इस मुद्दे को लेकर हुई है वो बहुत ही घृणित राजनीति है। मैं विरोध करती हूँ इस राजनीति का कि अगर आप गरीबों को हिंदू मुसलमान की कैटेगरी में बांटकर अगर आप बात करेंगे, गरीब आदमी गरीब आदमी है, अतिक्रमणकारी है, मुसलमान है, सिख है, वहाँ पर अगर मस्जिदें हैं तो वहाँ पर मंदिर भी बने हैं, वहाँ जो सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि वहाँ पर मुसलमान है इसलिए उनको हटाया है, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। आप अपनी ठेकेदारी, अपनी ठेकेदारी बताइए, आप किसके ठेकेदार बने? क्या बोला आपने फिर से? वो कह रहे हैं आप किसके ठेकेदार हैं? आप किसके ठेकेदार हैं जो आप समाज में इस तरह की घृणित बातें कर रहे हैं? कौन कर रहा है ऐसी घृणित बातें? आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है। देखिए मैंने तो एंकर मोदी की बात का जवाब दिया, आप जो इस तरह के असंसदीय भाषा का जवाब यूज कर रहे हैं कि आप किसके ठेकेदारी कर रही है, मैं समझती हूँ सियाल जी आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। कौन कर रहा है? मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं आप एंकर मोदी से लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा, हमारी आम आदमी पार्टी में से किसी ने नहीं लिखा,
अगर कोई लिख रहा है तो मैं उस चीज का विरोध करती हूँ। अब मैं एंकर महोदय की बात पर भरोसा करती हूँ कि इन्होंने वो ट्विटर देखे और ट्वीट देखे होंगे जिसमें हिंदू मुसलमान किया गया है। गरिमा जी को बोलने का अवसर दिया जाए, वो बहुत देर से मुझे लगता है कि प्रयास जारी है उनका भी। नहीं विनोद जी वो जुड़ रही है हमारे साथ, कोशिश कर रहे हैं कि गरिमा जी जुड़ जाएं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है ना, तो अभी यानी आपके कह रहे कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल अंतर्मन से मेरी एक आवाज आई इस पूरे मामले को देखकर कि अगर ये अवैध कॉलोनी है, अवैध निर्माण हुआ, अवैध रेलवे की जमीन पर कब्जा हुआ, चाहे वो 4,000 परिवार करे, 4 करे या 4 करोड़ परिवार करे, अवैध तो अवैध है, तो फिर यहां पर ये सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बन कैसे गए और किसने बनाए और किसके इशारे पर बने, कब बने, एमपी एमएलए फंड यहां पर कैसे खर्च हुआ और किसने किया और क्यों किया, नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा था, सड़कें कैसे बनी और क्यों बनी, सरकारी योजनाएं कैसे लागू हुई, ये कब से शुरू हुआ। विनोद जी मेरा ये निवेदन है आपसे, आप मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, मैं कह रहा हूं ये कब बना और कब से शुरू हुआ। हेलो जी सुन रहा हूं मैं आपकी बात, ये कब बनी, ये जो आप जो कह रहे हैं, जो आपने बात कही, मैं आपकी बात को आगे ले जा रहा हूं, मैं आपकी बात से किसी बात से असहमत नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कब बनी, कब से शुरू हुई और किसने बनाई और कब से प्रक्रिया चल रही थी, यहाँ पर बसने की, यहाँ पर स्कूल बनाने की, या इस तरह की जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, या हाउस टैक्स लगाने की, ये इत्यादि इत्यादि की, ये कब से चल रही थी। क्यों मैंने गलत तो नहीं कहा ना कि सरकारी स्कूल भी बन गए वहां पर, अस्पताल भी बन गए सरकारी, एमपी एमएलए फंड भी वहां पर खर्च हुआ, मैंने गलत तो नहीं कहा कि नगर निगम टैक्स वसूल रहा है उन लोगों से, सड़कें वहां पर बनी, सरकारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। कब से शुरू हुआ सर, शुरू कब से भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो सही ना, हुआ ना, तो फिर ये क्यों हुआ। नहीं मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो भी कहा है ठीक, निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार का पालन करेगी सर, पालन तो आपको आपको छोड़िए, सरकार किसी की भी रही हो उसको करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। चलो क्या अपेक्षा है, मतलब अपेक्षा यही है आप उनको विस्थापित करिए अगर किफ और बट किंतु परंतु वाली स्थिति आती है तो। मेरा सवाल वही था आपसे, गरिमा जी भी जुड़ गई है, गरिमा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको, गरिमा जी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको राहत दी है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अगाध आस्था और बढ़ गई आज, किस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी ने तो सबको अनाथ कर दिया था, सबको हताश और निराश कर दिया था अपने वक्तव्य से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, रेलवे विभाग जाने और कोर्ट कचहरी जाने, मैं ना इन लोगों को पहचानता हूँ, ना मैं इन राज्यवासियों को जानता हूँ, ना ये राज्य मेरा है, इस तरह का कोई वक्तव्य, मतलब आप सोचिए एक पत्थर दिल इंसान दे सकता है कि राज्य सरकार तो पार्टी नहीं है भैया, तो हमें ना घसीटो बीच में, हमको जो आदेश किए जाएंगे उसका जिम्मेदारी का निर्वहन, एक तरह से पल्ला झाड़ना कहते हैं। आप सरकार होते क्या स्टैंड होता आपका, जिम्मेदारी की पिछड़ी करना कहते हैं इसको, आप सरकार होते तो क्या स्टैंड होता आपका दृष्टिकोण। नहीं तिलक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द आरोप मत लगाइए, आप आरोपी आरोप लगाने आपने आपने कौन सा कौन सा दृष्टिकोण था आपका, जब आपकी सरकार एक्सपोज हो गई, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र एक्सपोज हो गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था वो पता नहीं कहाँ गौड़ हो गया। चलिए आप भाषण दीजिए, आप भाषण दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का एक एक बयान है कि 2022 तक हर घर को छत मिल जाएगी, गरिमा जी को छत मिल जाएगी, गरिमा जी एक मिनट, विनोद जी एक मिनट, विनोद जी एक मिनट सर बात, विनोद जी वो अपनी बात रख रही है, आप भाषण थोड़ा ना दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए विनोद जी। विकास होता क्या है पता है आपको, सबका साथ सबका विकास वो होता है जो 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में दिल्ली की बस्ती जिसमें 40 लाख परिवार रहते थे 1719 बस्तियों के लिए नियमितीकरण के लिए कानून लाया संसद के अंदर। सरकार अगर आप अगर आपकी सरकार होती क्या करते आप, मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया, वोट बैंक की एक मिनट गरिमा जी के लिए अध्यादेश 2016 में ये बात प्रारंभ हुई थी, 2016 में जो पुल कमजोर हुआ था रेलवे का, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जो वहाँ पर जिस तरह का वो हो रहा है
कटान हो रहा है, उससे जो है तो रेलवे को खतरा हो रहा है। उसके बाद रेलवे कोर्ट में गया 2016 में आपकी सरकार। विनोद जी एक मिनट अभी रुक जाइए ना सर। अगर इतना ज्यादा अतिक्रमण हटाने का शौक है तो विधानसभा के पीछे रिस्पना बहती है और रिस्पना के आसपास बसी हुई बस्तियों को हटा के दिखाइए इतना अतिक्रमण हटाने का शौक है सबको। तो एक मिनट रुक जाइए, वरना फिर बिंदाल भी ले जाऊंगा, रिस्पना भी ले जाऊंगा, देर नहीं लगेगी मुझे। एक मिनट, किसने बसाया, किसके आदेश पर हुआ, फिर खजानदास जी भी आ जाएंगे और राजकुमार जी भी आ जाएंगे और फिर वहां से उमेश शर्मा काऊ भी आ जाएंगे, रायपुर वाला मसला। रुक जाइए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं गरिमा जी कि अगर आप सरकार होते तो क्या करते। कांग्रेस ने तो कभी लोगों को उजाड़ने की नीयत रखी नहीं, हमारी तो कभी भी नीति और नीयत दोनों ना नौकरियां खाने की है ना लोगों को उजाड़ने। कोर्ट के आदेश के बाद आप क्या करते? निश्चित तौर पर हम कोर्ट के फैसले के इंतजार करने से पहले हम पुनर्वास का प्लान भी बनाते कि यदि कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का 2010 का फैसला है सुदामा सिंह के केस में के नियम होंगे उजाड़े जाने के, और प्लस पुनर्वास योजना बनानी पड़ेगी सरकारों को, प्लस खराब मौसम में और रात को किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा, प्लस जो है हर एक को नोटिस दिया जाएगा, एवरी फैमिली, ये नहीं की मुनादी करा दी। विनोद सुयाल साहब ये बात तो देखिए वैलिड है मानवीय दृष्टिकोण से भी, कानूनी नजरिए से भी। जैसे आप मुझे कह रहे थे कि तब का तब देखा जाएगा जब कोर्ट फैसला देगा, ना आप सरकार हैं, सरकार मतलब पूरे उत्तराखंड के रहने वाले हर वासी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो गरिमा जी के भी हैं, वो आपके भी हैं, वो उमा जी के भी हैं और वो हमारे भी हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के नहीं है, पहली बात। तो इसलिए आपको उनका प्लान तो तैयार करना पड़ेगा ना कि अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और कोर्ट ने कहा तो फिर क्या करेंगे आप। जो भारत के नागरिक है और उत्तराखंड के निवासी, तो वही तो सवाल है कि आपने क्या प्लान बनाया उनके लिए, कुछ प्लान बनाया, कुछ सोचा। इसी तुक से हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें राजनीति करने की मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से चेष्टा कर रही है कांग्रेस पार्टी और ये मामला इनके समय से ही प्रचलन में है। सर आप विपक्ष में होते तो आप छोड़ देते क्या? इतना बता दीजिए देहरादून की मरीज के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, पहले निकाल देते तो आज इतना विकराल रूप चंद्र की समस्या। अतिक्रमण के पक्ष में कोई नहीं है पहली बात, तिलक जी हम लोग तो बिल्कुल नहीं अतिक्रमण के पक्ष में, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो आप कम से कम आप लोग इतना, अगर मैंने कहा ना यहाँ दिखाई दे रहा आपको कि वोट बैंक की सियासत कहाँ नहीं हो रही, जोशीमठ को लेकर सबने जो है बर्फ जमाली मुंह में दही जमाली, जोशीमठ आज अस्तित्व खतरे में है। आप लोग क्या ट्रेंड चल रहा है क्या, ट्विटर पर देखा आपने, हल्द्वानी में इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे हम, लेकिन जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है उसको लेकर कोई सियासत नहीं कर रहा। और करिए ना सियासत, किसने मना किया जोशीमठ को लेकर, आज वो परिवार भी तो खतरे में है, कौन सोच रहा है उनके बारे में। सरकार उनके प्रति पूरी संवेदनशील है और सरकार ने उनको वहां से जो जो लोग असुरक्षित थे उनके सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, वहां का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनका पुनर्वास किया जा सकता है। विनोद जी आप, मैंने कहा ना सर आग लगने के बाद आप फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे तब तक ओम भू बहुत स्वा हो जाएगा बहुत हद तक, और वही हुआ। ऐसा नहीं, ये आग पुरानी सरकार की है, कांग्रेस पार्टी के जमाने की आग है, अब कांग्रेस पार्टी ठीक हर हर सर हर हाँ हर गुनाह के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, निश्चित रूप से। अच्छा ठीक, जो उनके कर्म है वो हमको सामने। तो अभी आप मतलब कुल मिला के कोई प्लान नहीं बना रहे ना? मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर सरकार को इस तरह की तमाम अवैध बस्ती, खाली हल्द्वानी की बस्ती नहीं, तमाम अवैध बस्तियों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें अपनी जो नीति है उसको हमें बिल्कुल सही तरीके से बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से गरीबों को आवाज मुहैया कराया जाए। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला वही है, सवाल वही है, सरकार हाउस टैक्स ले, वाटर टैक्स ले, बिजली का बिल ले, लेकिन मसला यहां पर आकर फंस जाए। रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहां पर तीन तीन सरकारी स्कूल, सरकार मतलब जो भी सरकार रही हो, और सरकारी अस्पताल कैसे बनवा दिए, सवाल कई हैं और उन सवालों का इंतजार जवाब का अभी भी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।